बैग्स हैं यहाँ पे। ये वाला कितना बताया अंकल? 1200 नेपाली रुपीस का ये। और ये चीज देखो, बहुत मैं एकदम शौक हो गया देख के भाई। नेपाल में फॉर्चुनर है 1,20,00,000 की। लो जी गाइस, इन्होंने तो रोक लिया है, सिर्फ मेरे को अभी आगे जाने दे रहे हैं। सबको उतरवा दिया चेकिंग के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आ रखा हूँ नेपाल। वैसे मैं इंडिया से हूँ लेकिन मैं नेपाल आ रखा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही मतलब एक कोइंसिडेंस हो गया कि मेरे बचपन से जो लड़का साथ पढ़ा हुआ है उसका एक रिलेटिव मुझे यहाँ पे मिल गया, जो कि हमें पूरी मार्केट घुमाएगा यहाँ की। अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा कैसे हम नेपाल से आए, हम कार से आए हैं, कार से हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, तो वो व्लॉग जाके जरूर से देखना, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। आज हम यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मतलब फेमस है, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे जूते, छाते, लॉक्स और भी थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलो थोड़ी देर तक इसे एक्सप्लोर करते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं। इसी के साथ करते हैं आज के इस दिन को शुरू, लेट्स गो। अब चलते हैं थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करने, कुछ सामान खरीदने। चाचू और बड़े पापा वापस आ गए हैं। भाई ने अपनी दुकान पर लॉक लगाया स्पेशल हमारे लिए, भाई को बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू। अब भाई हमें जा रहा है घुमाने, देखते हैं जो चीज़ें पसंद आती हैं लेते हैं, जैसे बैग्स हो गए, जूते हो गए, या जो भी हमारे सामान रहा लेते हैं। अब भाई ये एक दुकान है बागेश्वरी ट्रेडर्स, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है। परफ्यूम्स वगैरह हैं, शर्ट्स, ताले, बहुत कुछ है जी। हमने अखरोट और तो मेरे ख्याल कुछ नहीं लिया, 9 किलो अखरोट लिए हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ अखरोट बहुत अच्छे रेट्स में मिल रहे हैं और टेस्ट भी अच्छा है। 280 रुपये किलो पड़े ना चंदन भाई? 280 रुपये किलो अखरोट पड़े ना। और ये चंदन भाई हैं हमारे नेपाल के साथी, हमें यही घुमा रहे हैं नेपाल पूरा। 280 रुपये किलो अखरोट पड़े, 9 किलो अखरोट हमने ले लिए हैं, अब वो वहीं पे रख दिए हैं। आगे जाते हैं देखते हैं और क्या मिलता है यहाँ पे। शॉप पे कॉस्मेटिक्स तो हैं लेकिन ज़्यादातर 90-95% सब कुछ इंडियन या चाइनीज़ है, जो कि इंडिया में मिल जाता है तो नहीं। ये टॉयज वगैरह हैं। चलो अगली दुकान पे चलते हैं। ये लो जी एक और शॉप है बैग्स की, यहाँ पे अब देखते हैं। बहन के लिए एक बैग लेना है मैंने, वैरायटी तो काफ़ी है। कितना बताया ये? 750, इंडियन 750 का ये रिबन का। बैग्स हैं यहाँ पे। ये वाला कितना बताया अंकल? 1200 नेपाली रुपीस का। ये वाला उतारना, लेदर हो, लेदर। अरे लेदर कहाँ मिलेगा अंकल 1200 में? कलर सही है, लेडीज के लिए। खोलना एक बार इसे अंकल। ये बहुत अच्छा होता है, वाटर प्रूफ होता है वो वाला। एक बार के लिए अभी पसंद तो करा है, अगली शॉप पे आए हैं। ये वाला भी अच्छा लग रहा है लेकिन दुकान पे वो है नहीं जिसने रेट बताना है। तो अच्छा ब्लैक कलर है, लेदर रेक्सिन टाइप का है, देखते हैं। और ये लो जी वही छाते वाली शॉप पे आए हैं, इसी का छोटा साइज देखते हैं। नहीं ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, इसमें जैसे कवर अलग से है। लग तो अच्छा रहा छाता, ब्लैक एंड व्हाइट नाइस छाता। ये बटन है, छाता ले लिया, बहुत प्यारा लग रहा था, 400 रुपये इंडियन का। और ये चीज़ देखो, बहुत मैं एकदम शौक हो गया देख के। ये RSS की रैली निकल रही है यहाँ से, मतलब नेपाल में भी RSS है, देख सकते हो आप, पूरे ढोल बज रहे हैं और RSS की रैली निकल रही है। एक एक कार्गो वेस्ट है ग्रे कलर की, अच्छी तो बहुत लग रही है। कितने अंकल? 850। ये इंडियन 850 प्राइस। नेपाली कितना हुआ? नेपाली हुआ 1360। अच्छी तो बहुत लग रही है लेकिन एक बार बटन वाली चेक करता हूँ, या तो फिर ये वाली डन है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। हाफ काली टी शर्ट के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। इसके अंदर भी है।
की टी शर्ट्स की दुकान है, थोड़ी अच्छी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग से लग तो रही है। कॉल ऑफ ड्यूटी, ये थोड़ी टाइट नहीं लग रही है ना भैया जी? जैसे डबल या ट्रिपल एक्सल ही आएगा, ये फ्री साइज वाली आएगी नहीं? डबल एक्सल यहाँ पे साइज क्या, डबल एक्सल नहीं मिलता? एक शॉप है मैम, आपकी शॉप का नाम? डालीमा शॉपिंग। क्या? डालीमा शॉपिंग। डालीमा शॉपिंग, यहाँ से ये चार हमने ये लिए हैं, क्या कहते हैं इसको? आई शेडोज हैं, मतलब मम्मी और बहन के काम आ जाएंगे। तीन चाचू ने लिए हैं, एक मैंने लिया है। बाकी और आपके पास जैसे ये बहुत तरीके के गले में पहनने के लिए हैं? नेपाल के ज़्यादा पहनते ना ये। अच्छा, ये नेपाल वाले टाइप से करने के बाद नहीं लगता? अच्छा रहे, ये भी डन हो गया। 333 रुपीस का ये लिया है हमने, जो है पता नहीं सस्ता है महंगा है, लेकिन जो भी है नेपाल आए थे तो ले लिया, महंगा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं और क्या है, यहाँ फास्ट फूड की बहुत दुकानें हैं। बाकी ये हुंडई की वेन्यू वेन्यू लगी हुई है, पता करते हैं क्या रेट है यहाँ पे। कौन है भैया यहाँ पे? भैया ये क्या एक शोरूम क्या है वेन्यू? कितनी? इंग्लिश में बताओ। 47 लैक्स। अरे ये तो इंडिया से चार गुना है, इंडिया से चार गुना महंगी है। और ये क्या रेट है, कौन सी है ये? अच्छा ये क्या रेट है? 21। ये भी चार गुना है? 41। चार गुना है ये भी? अरे बाप रे, अगर कार्स के रेट यहाँ तीन गुना है ना, तो इस हिसाब से नेपाल में फॉर्चूनर हुई 1,20,00,000 रुपए की। भाई साहब 1.2 CR की फॉर्चूनर। एक और बैग की शॉप्स पे आए थे, शॉप्स पे शॉप पे, यहाँ पे ये एक बैग है जो मुझे बहुत पसंद आया है। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और थोड़ा सा मतलब गर्लिश टाइप में भी है। ये क्या रेट बताया आपने? नेपाली 950। नेपाली 950 है, इंडियन कितना बताया? 590। इंडियन 590 के हिसाब से बताया ये। बाकी यही एक इसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये वाली सबसे चीप क्वालिटी है। ये वाला तो खैर देख के नहीं पसंद आ रहा, ये अच्छा लग रहा है, देखते हैं यही वाला ले लेते हैं जी। ये ले लिया है। भैया नाम बताओ? दीपक। बहुत अच्छा नेचर है भैया का, दीपक भैया का। और आपके शॉप का नाम? राधे विद्यार्थी, जो भी आगे पुस्तक भंडार या जैसे भी है। बहुत अच्छा नेचर है भैया का। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। और एक और टी शर्ट्स की शॉप, यहाँ भी थोड़ी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सी टी शर्ट लग रही है। ये कोट सेट्स भी हैं, फट ना चाचू, ये कोट सेट अच्छा लग रहा है देखो, है ना, अच्छा सा लग रहा है ये। बाकी शूज़ वगैरह हैं, वो ये जैकेट है, ये जैकेट भी है, क्या रेट है ये ब्लैक लेदर वाली? हाँ जी, कितना? 3500। ओके, और ये जो वाली वाइट वाली, ये क्या है, शर्ट है क्या है ये? ये भी रेड जैकेट है। अच्छा ये क्या रेट है? ये 2400। 2400। कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे साइज़ ना थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। ये कितनी प्यारी जैकेट लग रही है, और ये इंडियन में मेरे ख्याल 1300-1400 के आसपास है। ये भी कुछ अच्छा सा पीस लग रहा है। और एक ये जैकेट, ये भैया क्या रेट है इंडियन? 1800-1900 के आसपास। और ये क्या चीज है? ये अच्छा है, एक ये जैकेट है, पता नहीं क्यों अच्छी भी लग रही है लेकिन अच्छी नहीं भी लग रही, ऐसा क्या है? मैं तो अच्छी सी लगी। चलो देखते हैं इसका। भैया का नाम है गजेंद्रा, बहुत अच्छा स्टफ है, मतलब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग। क्या नाम है शॉप का? बेस्ट बाय शॉप है। और भाई आप खुद से देख लो, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रेंडिंग आर्टिकल्स। ये जैकेट बाइकर जैकेट है, ये एक वो जैकेट, और भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। अगर कभी नेपाल आना होता है तो ये शॉप जरूर से याद रखना, ये बहुत अच्छे अच्छे जैकेट्स। ये देखो, आए हाय हाय, क्या पीस है, 1900 रुपये नेपाली, ऊपर वाली जो 1500 नेपाली, ये ऊपर वाली जैकेट बहुत प्यारा पीस है, बहुत प्यारा पीस है चाचू।
ये पीस चेक करो, ये देखो छोटा साइज है आपको, छोटा है साइज, छोटा है भाई, बहुत प्यारा पीस है भाई, साइज बस साइज बहुत प्यारा पीस है, साइज छोटे हैं, थोड़ा मोटा सामान ले लिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, अच्छा लगा मिलके। बस अब निकलने लगे हैं, यहाँ से अखरोट लिए थे वो उठा लेते हैं, पैक होके रखे हुए हैं जी, वॉलनट्स भी ले लिए। थैंक यू भैया, शॉप का नाम बता दो अपना और आपका नाम। मेरा नाम सूरज। 280 रुपए किलो के हिसाब से अखरोट लिए हैं, 3 किलो, 5 किलो और एक जगह 4 किलो, जैसा भी है। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर ज़रूर से करूँगा, अभी थोड़ा सा पहले सेट होने, सामान हमारा रख दिया। चलो जी अब निकलते हैं, इससे पहले बॉर्डर बंद हो जाए और हमें जाने ना दें। भाई ये देखो गायें चेक करो, कितनी गायें हैं, पूरी रोड घेर रखी है, आधे भी हर जगह गायें गायें, आधे भी बहुत हैं। और ना यहाँ एक बात बहुत सही लगी, बाइक वाले जितने भी हैं लगभग मतलब 90% जो देखे होंगे हेलमेट लगा के चल रहे हैं। यहाँ 1000 रुपये चलाना है नेपाली रुपीस का, मतलब इंडिया का वही 700 आस पास हुआ कुछ। वहाँ पे ना ज़्यादातर ये चीज़ देख रहा हूँ मैं, बाइक वाले रूल्स बहुत फॉलो कर रहे हैं, हेलमेट लगा के चल रहे हैं, चाहे वो चलान के डर से हो, जैसे भी हो, रूल फॉलो हो रहे हैं। हमने अभी पर्ची बनवाई थी ना गाड़ी की रुक के, वो अभी एक चेक पॉइंट पे ले लिया, वो व्लॉग में बता रहा हूँ, जो पर्ची हमने बनवाई थी वो चेक पॉइंट पे ले ली है। अब हमें जहाँ तक है कोई नहीं रोकेगा, अगर रोकेगा तो चेकिंग के लिए थोड़ी सी रोकता है कि मतलब क्या सामान लेके जा रहे हैं, कुछ इलीगल या ऐसा कुछ तो नहीं लेके जा रहे, या दारू तो नहीं लेके जा रहे, शराब नहीं लेके जा रहे, क्योंकि यहाँ बहुत मिलती है। अब ये वही वाला पुल आने वाला है जो डैम के ऊपर से निकला था, ते हुए भी एक बार वेरिफिकेशन होती होनी थी, वो हो चुकी है, अब निकलते हैं। लो जी गाइस, इन्होंने तो रोक लिया है, सिर्फ मेरे को अभी आगे जाने दे रहे हैं, सबको उतरवा दिया चेकिंग के लिए, और यहाँ से पैदल पैदल आएंगे और आगे मेरे को मिलेंगे, पता नहीं क्या है, थोड़ी ना मैनेजमेंट ऐसी लग रही है। एक जगह हमारी चेकिंग हो गई, थोड़ा सा आगे निकले तो उन्होंने फिर से रोक लिया कि चेकिंग हो गई, हमने कहा हाँ हो गई, बोला कोई बात नहीं फिर से करवा दो, कर ली। थोड़ा सा आगे निकले, मतलब सिर्फ इतना आगे निकले कि जिस ऑफिसर ने चेक किया और जिस ऑफिसर ने दोबारा रोका, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, उन्होंने इशारा भी नहीं किया। तीसरे ऑफिसर ने फिर से रोक लिया और उसने बोला सब उतर जाओ और ऐसे करके पैदल पैदल आ जाओ। उसने हमारी गाड़ी का नंबर पहचान लिया, लुधियाना नंबर गाड़ी है, तो बोला आप लुधियाना से हो, मतलब वो भी पंजाबी था। हाथ से मतलब चेक किया है, गाड़ी भी थोड़ी सी चेक कर ली, मतलब मुझे मैनेजमेंट इनकी इतनी समझ नहीं आई, सेम ही जगह पे 3-3 बार चेक कर रहे हैं, ये नहीं एक दूसरे को बता दे कि चेकिंग हो चुकी है इन गाड़ी की। एक और बार चेकिंग हो गई, गाड़ी रुकी थी, नाम नूम लिखवाया, गाड़ी का नंबर लिखवाया, फिर से डिग्गी खोल के चेकिंग हुई, अब ये फाइनल चेकिंग थी। अब हम प्रॉपर इंडिया घुस चुके हैं, नहर है इस तरफ और यहाँ से सीधी रोड अब इंडिया है पूरा। गाइस मुझे तो बहुत मजा आया, ये बहुत ही क्रेजी और नया सा एक्सपीरियंस था, होप करता हूँ आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो। पिछला व्लॉग जरूर से देखना कैसे हम इंडिया से नेपाल गए, और ये नेपाल शॉपिंग व्लॉग था। अगर अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सबसक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मैं तो आपसे एक और ब्लॉग में, टिल देन बाय, जय हिंद।